गेंदों में बने 26 रन। विराट के बल्लेबाजों ने केवल 2 गेंदों में पल दिया था मैच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में बैंगलोर के बल्लेबाजों ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर वहां बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। इस मैच में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मनन वोहरा और कॉलिन डी ग्रैंडहोम की शानदार पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए और फिर मुंबई को 153 रनों पर रोककर 14 रनों से मैच जीत लिया। लेकिन इस मैच में बैंगलोर की पारी खेल दौरान आरसीबी के बल्लेबाजों ने केवल 2 गेंदों में ही 26 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल बैंगलोर की पारी के दौरान 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आरसीबी के धुरंधर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने हार्दिक पंड्या की गेंद पर छक्का जड़ा। इसके बाद अपायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दिया, यानी अगली बॉल फ्री हिट थी। हार्दिक पांड्या की फ्री हिट गेंद पर मैकुलम ने एक और छक्का जड़ दिया। इस तरह एक ही बॉल पर बैंगलोर ने 2 छक्के और नो बॉल के 1 रन की मदद से 13 रन बना लिए। इसके बाद बैंगलोर की पारी के 20वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना कर रहे आरसीबी के बल्लेबाज कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने मिशेल मैकलेनहन की गेंद पर छक्का जड़ दिया। ये बॉल भी नो बॉल निकली। इसके बाद कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने फ्री हिट पर भी एक और छक्का जड़ दिया, यानी यहां भी बैंगलोर को एक गेंद में 13 रन मिल गए। इस तरह बैंगलोर के बल्लेबाजों ने केवल 2 गेंदों पर ही 26 रन बना लिए।